नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे मॉब लिंचिंग में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता के घर। घटना की हर हाल में भाजपा कराएगी सीबीआई जांच। सिमडेगा एसपी एवं ठेठई टांगर, टांगर थाना प्रभारी अविलंब हो बर्खास्त। बीते 4 जनवरी को कोलेबीरा थाना क्षेत्र के बेसरा जारा में भाजपा कार्यकर्ता संजू प्रधान की मॉब लिंचिंग के तहत जिंदा जला देने की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल घटना स्थल पर पहुंच पीड़ित परिवार से मिलकर घटना का जायजा एवं जानकारी लिया एवं सांत्वना दी। घटना स्थल का मुआयना एवं पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की हत्या एवं सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। उन्होंने कहा, घटना में जितना दोषी ग्रामीण है उससे भी ज्यादा दोषी पुलिस है, क्योंकि पुलिस के सामने ही भाजपा कार्यकर्ता को पीट पीट का जिंदा जला दिया गया, जबकि मृतक की पत्नी पुलिस वालों के पैर पकड़कर हवाई फायरिंग के लिए गिड़गिड़ाती रही। आगे उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मृतक की पत्नी का सादा कागज पर हस्ताक्षर लेना एवं पीड़ित पक्ष के परिवार वालों को ही गिरफ्तार कर जेल भेजना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की कि अविलंब सिमडेगा एसपी एवं ठेठई टांगर थाना प्रभारी को बर्खास्त कर उन पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने एवं हत्या में सम्मिलित होने का मामला चलाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिजनों के साथ है और इस सुनियोजित मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच करा कर रहेगी। इससे पूर्व मृतक की पत्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री को घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मौके पर एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव, कॉलिंग राष्ट्रीय मंत्री सह रांची मेयर आशा लकड़ा, पूर्व मंत्री विमला प्रधान, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, प्रदेश मंत्री मुनेश्वर साहू, प्रदेश सह प्रवक्ता अशोक बड़ाइक, पूर्व विधायक शिव शंकर उरांव, सिमडेगा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक, केंद्रीय मंत्री के सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव, नगर परिषद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, श्रद्धानंद बेसराव, सुजान मुंडा, जीप सदस्य मनोज साय, दुर्ग विजय सिंह देव, श्याम लाल शर्मा, मीडिया प्रभारी रवि गुप्ता, दीप नारायण दास, सुदर्शन सिंह, नवीन सिंह मौजूद थे। परिवार से जो मिल करके और जो कुछ भी जानकारी आप सब लोगों के समक्ष ही हमने लिया है, कोई अलग से मैंने नहीं लिया है। और जिस प्रकार से घटना हुई, उस घटना के बाद मैं ये कह सकता हूँ, घटना पूरी तरह से सुनियोजित था। और जब जहाँ भी कोई एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए आते हैं 400-500 लोग और पुलिस भी साथ में चलती है और फिर वो मुखदर्शक बने रहते हैं, तो ये जिसको कह सकते हैं इस हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, षड्यंत्र है। और इस हत्या में एक प्रकार से जितना इस गांव के लोग दोषी है जो हत्या करने वाले, उससे कहीं अधिक दोषी आपका सिमडेगा के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। क्योंकि एक सामान्य अभी तक अखबारों में जो बातें आ रही थी लकड़ी के बारे में, तो वो भी आप सब लोगों के सामने बातें आई कि लकड़ी किसी से वो खरीदे थे, आज से वो भी मतलब पिछले साल, उसके बाद भी गांव के लोगों ने वो लड़का जिससे खरीदा फिर काटा, फिर उसके बाद शिकायत हुआ तो फॉरेस्ट वालों ने उस समय कब्बे वो लड़के लकड़ी को भी लेकर के चले गए। अगर उस कारण से दोषी होते तो फिर पुलिस प्रशासन थी पकड़ करके उसको जेल में डाल देते, लेकिन जिस प्रकार से गांव के लोग आए और फिर घर से परिवार के सामने वो दिन के 1:30 बजे
गांव के जो प्रधान सुबन बूढ़ है बम्बल केरा के, उसको पकड़ करके ले गए। उनके साथ भी कई नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद आश्चर्य तो ये होता है, इसी परिवार से जुड़े हुए जो गांव के तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ करके उनको जेल भेज दिया। अपराधी को नहीं भेजा, जो अपराध नहीं किया है, जिन लोगों को मीटिंगों में बुलाया गया था, वो मीटिंग में वहाँ जब वो लोग पहुँचे जहाँ मीटिंग स्थल था, तो वो लोग मीटिंग से यहाँ आ गए थे, वो लोग तो बेचारा वहीं आए, और यहाँ जब तक वो लोग पहुँचते हैं तब तक तो मारपीट करके लोग जला दिए। और केस भी पूरी तरह से जेल में तुरंत कल पकड़ करके उन लोगों को डाल दिया। तो पहली बात तो मैं आज इतना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।